सो आप सभी दोस्तों मेरे पास कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ही बताओ कि एक इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर की कितनी सैलरी होती है यूएस में। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब कर रहे हैं अभी और काफ़ी सारे लोग करना भी चाहते होंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कितने तक सैलरी हमको मिल जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। और कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं, आपको ध्यान देनी पड़ेंगे तो 2021-2022 में अगर आपको जॉब करनी है यूएस में, तो वो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा। एक डेढ़ मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की कम्प्लीट चीज़ें मैं सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मेरे तरफ से कुछ टिप्स है, उसको फॉलो कर लो। नंबर वन चीज़ है वो है आपको, अगर आप मैकेनिकल किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, जैसे कि आप डिप्लोमा से कर रहे हो, बीटेक से कर रहे हो, आप आईआईटी कर रहे हो, आप आईटीआई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, तो आप एक काम करो, आप कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस ले लो, 1 साल 1.5 साल कहीं जितना ले सकते हो आप उतना एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पर अगर आप काम करोगे यूएस में तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और सेकेंड चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप मैकेनिकल से हो या फिर किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिशियन से हो, सिविल से हो, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। जितने आप प्रैक्टिकल रहोगे उतना आपको अच्छी सैलरी मिलेगी यूएस में, क्योंकि यूएस में डिग्री डरेंट मैटर, ठीक है, तो डिग्री के ऊपर आप मत जाओ, डिग्री एकदम मतलब साइड रख दो और प्रैक्टिकल पे अपना पूरा फोकस करो। जितने तक आप अच्छे से काम कर सकते हो उतनी अच्छी आपको सैलरी यूएस में मिलती है। और हम बात कर लेते हैं कितने तक सैलरी आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर पे कितना मिल जाता है और आप एक्सपीरियंसड हो तो आप कितना रुपये तक अर्न कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ जो मिनिमम सैलरी इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की, वो एवरेज तक बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग $25 पर आवर आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 घंटे में अर्न, अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो आप सोच सकते हो कितने रुपए तक आप एक दिन में कमा सकते हो, कितने आप मंथली अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। लगभग $25 तक आप पर आवर फ्रेशर के तौर पे भी अर्न कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंसड हो फिर आप लगभग और भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो, $40-45 तक भी अर्न कर सकते हो। तो अगर फिर नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।